हाँ स्टार्ट कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्णों के सामान्य परिचय के बाद मैं आपको पाठ्यक्रम के अनुसार जो मुख्य बिंदु है उस पर लेकर चलता हूँ। और एक बार मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा अराइज कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अनिल कुमार आपके लिए आपके पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु संधि को प्रारंभ करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि इसमें से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए कि संपूर्ण व्याकरण की रीढ़ है। शब्द ज्ञान हो या वर्ण ज्ञान हो, संधि के बिना अधूरा है। तो देखिए भैया, संधि पर चलते हैं सीधे ही, बिना समय खराब किए हम चर्चा करेंगे यहाँ। सबसे पहले आप देखिए संधि, जो दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम और धि, और ये साहब इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। आपने देखा होगा प्राचीन इतिहास में जब दो राजाओं के बीच में संधि होती थी तो वो अपनी व्यवस्थाएं बिठा लेते थे। यहां भी व्यवस्था बिठाने का ही काम है, बस अंतर इतना है कि यहां राजाओं की व्यवस्था नहीं बिठानी है, यहां दो वर्णों की व्यवस्था बिठानी है। कई बार आप पढ़ते हैं कि साहब शब्दों की व्यवस्था बैठती है, नहीं, ये गलत है, यहां वर्णों को जोड़ा जाता है। तो ध्यान देना बेटा, संधि में सबसे पहली बात है मेल किसका हो रहा है, वर्ण का। मेल किसका हो रहा है, वर्ण का। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि साहब संधि में शब्द का मेल हो, नहीं बेटा, संधि में शब्द का मेल नहीं होता। शब्द का मेल होता है किसमें, समास में। संधि में तो केवल किसका मेल होगा, वर्ण का मेल होगा। अब दो वर्णों का मेल होगा तो दो परिस्थितियों में होगा। ध्यान देना कितना सुंदर है, यहां ध्यान देना भैया, कैसे होगा मेल, बोर्ड पे देखें एक बार। ये होगा मेल प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। अब एक पद होगा पहला, उसकी आखिरी ध्वनि, और अंतिम पद की प्रथम ध्वनि, अंतिम पद की प्रथम ध्वनि। इन दो ध्वनियों का मेल होगा, इनके अलावा अन्य वर्णों का मेल करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और अंतिम पद की प्रथम ध्वनि का मेल होगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये संधि में कितने पद हो गए, तो सामान्यतः दो पद हो गए। विशिष्ट पदों के तहत हम तीन तीन संधि के टुकड़े भी पढ़ते हैं, वो अलग बात है, अभी सभी शब्द आएंगे। यहाँ देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है कि संधि में पहले पद की अंतिम ध्वनि, पहले पद की अंतिम ध्वनि और दूसरा देखिए अंतिम पद की प्रथम ध्वनि का मेल होता है। कैसे होता है, एक बार एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। बोलिए इधर बोर्ड पे पढ़ के, ये है सस, उदाहरण देख लीजिए। दूसरा देखिए, अपने पास में आ गया एक शब्द अंक, बोलो क्लियर है, एक है सस और दूसरा है अंक। अब ये अपने आप में प्रथम शब्द है और पूरा जिस एक शब्द या पद भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये है प्रथम पद और ये है अपने पास में अंतिम पद या द्वितीय पद, दूसरा पद अंतिम पद है, दोनों पद अपने पास प्राप्त हो गए। ये कह रही है परिभाषा, क्या कह रही है कि उन वर्णों का किनका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। कौन से वर्णों का मेल होता है, जो प्रथम पद वाले हैं उसकी अंतिम ध्वनि का, और जो अंतिम पद वाला है उसकी प्रथम ध्वनि का मेल होता है। तो बेटो देखो, मैंने बताया था यहां पर, देखिए इधर बोर्ड पे ध्यान दे, क में किसका स्वर है ए का, ऐसे ही देखिए क में किसका स्वर है आ का, तो की लघु में किसका स्वर है ई का, यही है। ऐसे ही कु लघु आ जाए किसका स्वर है ऊ का, ऐसे ही की दीर्घ और कु दीर्घ आ जाए तो स्वर ओ की मात्रा भी दीर्घ हो जाएगी, बोलो क्लियर है। यहाँ पर भी सिंपल सा कंसेप्ट आपको निकालना है इनकी जैसे, कैसे, सस में किसका स्वर है ए का, किसका स्वर है जी भैया ए का, बोलो क्लियर है, सस ए बोलने में आ रहा, सस ए का स्वर है। तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या हुई, ए, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या हुई ए, और दूसरा पद किससे प्रारंभ हो रहा है, ऐसे ही, तो दूसरे पद की या अंतिम पद की
प्रथम ध्वनि क्या हुई? ए। बोलो क्लियर है। तो ए के साथ ए का मेल, ये नियम अभी आगे पढ़ेंगे। ए के साथ जब ए का मेल होता है तो भैया क्या है, क्या प्राप्त हो रहा है? आ। ए के साथ ए का मेल दीर्घादेश हो जाता है। कौन सा आदेश होता है? दीर्घादेश। कौन सा आदेश? दीर्घादेश। समान स्वरों में, कौन से स्वरों में? समान स्वरों में, ध्यान देना बोर्ड पे, समान स्वरों में कौन सा आदेश होता है? दीर्घादेश। एक बार प्रश्न आया हुआ है, संधि आदेश होती है या नहीं? क्लियर है, संधि आदेश होती है, गुणादेश होती है, दीर्घादेश होती है। समान स्वर मिलते हैं तो क्या हो जाता है? दीर्घादेश। कैसे होता है? बोर्ड पे एक मिनट के लिए समझना, अलग से बता रहा हूं ये बात अभी, लेकिन देखना है। समान स्वरों में दीर्घादेश, ए के साथ ए मिलेगा तो दीर्घादेश हो जाएगा, ई के साथ ई मिलेगा तो भी दीर्घ ई हो जाएगा। ये साहब दीर्घ ई और ये साहब क्या है? दीर्घ आ, दीर्घ ई और आ। ऐसे ही मान लो आप ऊ के साथ में ऊ का मेल करेंगे, क्या हो जाएगा? ऊ दीर्घ। ये दीर्घादेश हो गया, समान स्वरों में दीर्घादेश हो जाता है। बोलो क्लियर है। तो यहां पर देखिए भैया, समान स्वरों में दीर्घादेश ही हो रहा है। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए है और अंतिम पद की प्रथम ध्वनि ए, दोनों का मेल होता है तो ये दीर्घादेश हो गया, अर्थात आ। अब यहां देखो, समझना कंसेप्ट को, अब संधि कैसे होगी? ये तो विच्छेद हुआ, तोड़ना, विच्छेद, संधि को तोड़ना, संधि जोड़ना, विच्छेद तोड़ना, संधि जोड़ना, विच्छेद तोड़ना, ये तोड़ा हुआ था, अभी संधि करेंगे। सस में से ए निकाल लिया तो ध्यान देना, जैसे मान लो के में से माइनस ए कर दो तो के क्या रह गया? हलंत। बोलो क्लियर है। के में से माइनस कर दिया ए, यानी कि किसी भी स्वर युक्त व्यंजन में से स्वर को निकाल लेने के बाद उसके नीचे तिरछी रेखा लग जाती है, उसे हलंत कहते हैं। और ये अब हो गया भैया स्वर रहित। क्या हो गया? स्वर रहित। ये बात अपन व्यंजनों वर्णों में कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ध्यान दें कि जब के में से ए को बाहर निकाल लिया तो के के नीचे तिरछी रेखा लगा दी, उसको कहते हैं हलंत। और हलंत वर्ण क्या होते हैं? स्वर रहित। और बिना हलंत के जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें किसका मेल होता है? स्वर का, ये स्वर सहित होते हैं। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, वापस संधि में चले और ये देखिए भैया, सस में से ए नीचे निकाल लिया और इसका ए यहाँ निकाल लिया तो सस में ए गया, उसके बाद से क्या रह गया? केवल व्यंजन, हलंत लग गया और प्लस लगा दे, ये ए और ये ए दोनों मिलके क्या बन गए थे? आ। और बाद में अपने पास में के बचा, ऊपर वाला अनुस्वार भी वैसे के वैसे बच रहा है, वो अपनी जगह मेंशन रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। बाद वाले पदों में, पहले वाले पदों में कोई बदलाव नहीं आता। अब इनको मिलाओ भैया, से का रहेगा से, बोर्ड पे देखना से, और हलंत में स्वर का मेल करो भैया, हलंत पद में स्वर का मेल, हलंत से में आ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा भैया? सा। स्वर की मात्रा मिल जाती है, क्या मिल जाती है? मात्रा। केवल क्या मिलाना है? मात्रा। आ को नहीं, ऐसे नहीं कर सकते सा आ, नहीं, केवल मात्रा को मिलाना है। यहां पर ई की मात्रा होता तो सी हो जाता, ऊ की होता तो सु हो जाता, ए की होता तो से हो जाता, ओ की होता तो सो हो जाता, लेकिन यहां पर आ है इसलिए क्या हो गया? सा। से में हलंत गया, स्वर की मात्रा मिल गई सा, तो से का से और बाद वाला ये आ मिला करके, आ मिला करके क्या हो गया? सा। अनुस्वार अपनी जगह और के अपनी जगह, क्या हो गया भैया? शशांक। क्या हो गया? शशांक, चंद्रमा। बोलो सस क्या होता है? खरगोश। सस क्या होता है? खरगोश। खरगोश। और अंक क्या होता है? गोद। अंक क्या होता है? गोद। अच्छा, जिसकी गोद में खरगोश बैठा हो ऐसा प्रतीत होने वाला कौन है? शशांक। बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है। कौन है भैया? शशांक, चंद्रमा, जिसकी गोद में चंद्रमा। चांद को आज रात को आप देखना खुले आसमान में, ऐसा लगता है जैसे इसकी गोद में खरगोश बैठा है, वैसे ही सस खरगोश, अंक यानी गोद, जिसकी गोद में खरगोश बैठा है वो कौन है? शशांक। अब देखो, दो बात तो क्लियर है, संधि दो तरीके से की जा सकती है भैया, ध्यान रखना, एक तो शब्द के अर्थ के अनुसार और एक उसके भाव के अनुसार। तो बोर्ड पे ध्यान दे भैया, अब मैं संधि की कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। संधि में पद कितने होते हैं? दो। कितने पद होते हैं? दो पद। और संधि क्या होती है? आदेश। संधि गुणादेश भी होती है, दीर्घादेश भी होती है। संधि किसके अनुसार होती है? भाव और अर्थ के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? भाव और अर्थ के अनुसार होती है। दादागिरी से संधि नहीं कर सकते, बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी, ये संधि नहीं है भाई, बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी, ये संधि नहीं है, ना ही, ये जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब ये संयोग है, संयोग है, कंसेप्ट देखना, केवल संयोग है। बैल और गाड़ी बराबर क्या हुआ? बैलगाड़ी। तो ये बैलगाड़ी कोई संधि नहीं है, ये संधि नहीं है, ये क्या है?
ये संयोग है, ऐसे कंसेप्ट संधि में लागू नहीं होते। अब तो क्या होते हैं लागू, तो देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, संधि में दो पद होते हैं और आदेश होते हैं, भाव और अर्थ के अनुसार संधि निकलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सब होने के बाद जब दो पद मिलते हैं या दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्ण संधि में जब दो वर्ण मिलते हैं तो भैया दोनों वर्णों में क्या पैदा हो, विकार। विकार को हिंदी में क्या कहते हैं, परिवर्तन। क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। अगर विकार या परिवर्तन पैदा हो रहे तो संधि है, नहीं तो नहीं होता। अगर ए और ए मिलके आ नहीं होता तो संधि भी नहीं होती। ए और ए मिलके आ होने के बाद ही इसको विकार या परिवर्तन कहा है, तभी तो ये संधि हुई है, नहीं तो संधि होने की संभावना नहीं। तो ध्यान देना कि मेल तो किसका होगा, दो वर्णों का ही होगा, लेकिन दो वर्णों के मेल होने के बाद उसमें क्या हो, विकार या परिवर्तन आए। विकार या परिवर्तन आए तो संधि होगी, अन्यथा संधि नहीं होगी। किसी भी सूरत में संधि नहीं होकर उसको केवल संयोग माना जाएगा। बोलो क्लियर है, अभी समझाता हूं मैं कैसे। तो आगे देखें, एक बार पुनः देख लें, संधि क्या होती है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, जिसमें मेल किसका होता है, दो वर्णों का मेल होता है। और कैसे होता है मेल, तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि के साथ अंतिम पद की प्रथम ध्वनि का मेल होता है, और दोनों के मेल से अगर विकार या परिवर्तन पैदा होता है तो संधि होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब संधि क्या होते हैं भैया, दो पद होते हैं, संधि आदेश होते हैं, इसमें भाव और अर्थ के अनुसार संधि विच्छेद किया जाता है। किसके अनुसार, भाव और अर्थ के अनुसार। अगर सस और अंक का किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलता तो क्या अपन संधि कर पाते, नहीं कर पाते। क्या इस शब्द का भाव प्रकट नहीं होता, शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता, शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दें या पद में प्रयुक्त कर दें तो उसका भाव प्रकट नहीं हो तो वो संधि की श्रेणी में नहीं आता है। तो ध्यान रखना, हर किसी शब्द में संधि करने का प्रयास मत करना, ऐसे ही संधि नहीं होती भैया, संधि सटीक होती है। बहुत बार तो अपन शब्द को देख के ही संधि कर लेते हैं, चाहे से अपन को नियम आए या नहीं आए। तो अब मैं बता रहा हूं यहां पर आपको, देखो संधि और संयोग, अब दोनों चीजें, चलो भैया ये तो अपने पास में संधि, जिसमें तो अभी अपन ने बात कर ली कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है और वर्णों में विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। संधि इसके बराबर का एक और अपने पास में मैं शब्द लिख रहा हूं, बढ़िया सुंदर, संयोग। देखो दोनों में कंसेप्ट अंतर, देखो संधि में और संयोग में अंतर देखो भैया, इन दोनों का अंतर बोर्ड पे ध्यान दें, अंतर। ये अंतर जब तक नहीं समझ में आता तब तक एक प्रश्न सही नहीं होता। परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित रूप से ऐसा पूछा जाता है कि ये संधि है या संयोग है, इसको छांटिए। चार विकल्प होंगे आपके, तीन संधि होंगी और एक संयोग होगा, ऐसा प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और जब अपन को अंतर का ही नहीं पता हो तो उत्तर निकालने में थोड़ी सी समस्या आती है, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। देखो संधि ये करना है, दो वर्णों का मेल किसका होगा, दो वर्णों का मेल, और वर्णों का मेल होने पर क्या पैदा होगा, विकार या परिवर्तन पैदा होगा। और अगर विकार या परिवर्तन पैदा हो जाए तो क्या है, बराबर नीचे देखो संधि है, समझ रहे हो। इधर ध्यान दो, वर्णों का मेल कर लो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ण मिलेंगे, लेकिन वर्ण मिलने के बाद विकार नहीं होता, विकार नहीं होता, सीधे ही मिल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, संयोग कहलाते हैं। अब परिभाषा से समझ में नहीं आया तो इधर देखना, मैंने बोर्ड पे लिख दिया सद धन धर्म, किस संधि का नियम है किसका नहीं है वो बाद में बताऊंगा नियमों के अनुसार, अभी तो आप केवल इतना सा समझ लें, सद धन धर्म। और बराबर मैंने लिख दिया यहां पर सद धर्म, बोलो किसी प्रकार का बदलाव आया क्या, नहीं, केवल योग चिन्ह को हटाया है अपन ने, धन चिन्ह को हटाया है और सद धर्म लिख दिया। बताओ यह संधि होगी या संयोग, बताओ यह संधि होगी या संयोग, कमेंट करके फास्ट उत्तर दे, संधि होगी या संयोग होगा। सद धर्म बराबर सद धर्म, संधि होगी या संयोग होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, ये संयोग। ऐसे ही बोर्ड पे देखो भैया, सद धन मार्ग, बोर्ड पे देखना सद धन मार्ग, बोर्ड पे देखना भैया सन मार्ग क्या होगा, सन मार्ग, सन्य मार्ग किस नियम से बना, ये तो अभी आ गया, आएगा सन्य मार्ग, बोर्ड पे देखो भैया सद धन मार्ग क्या हुआ, सन मार्ग। दे यहां पर दे ही था, इसमें दे में बदलाव नहीं आया, इसलिए ये क्या है, संयोग है। और यहां पर दे किसमें बदला, ने में, दे किसमें बदला, ने में, किस नियम से बदला अभी बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन यहां जब ये बदल गया तो ये संधि है, ये संधि है भैया, ये किसी भी प्रकार का संयोग नहीं है, दिस इज संधि, ये संधि है, ये ही ध्यान रखना है। जब बदलाव आए तो संधि, और जब बदलाव नहीं आए
तो संयोग, ये पिछली बार पटवार परीक्षा में पूछा हुआ था और आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी एक प्रश्न आया हुआ है। देखना इधर भैया बोर्ड पे देखना, दुष्ट धन साहस बोर्ड पे देखो, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। थोड़े से दिमाग को खोलो और ध्यान पूरा बोर्ड पे रखो, समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे में कुछ नहीं होता और हल्के मैटर में भी कुछ नहीं होता, विशिष्ट पढ़ना है तभी जा करके परीक्षा पास हो पाएगी भैया, सामान्य में परीक्षा पास नहीं होती। बोर्ड पे देखना, दुष्ट धन साहस लिख दिए और देखो दुष्ट धन शासन दोनों देखना, ये देखो भैया दुस्साहस, दुस्साहस और ये दुस्शासन, बोलो दुस्शासन, शासन बोलो, क्लियर है? दुस्साहस और दुस्शासन, देखो यहाँ पर देखना भैया बोर्ड पे देखना, देख कौन सा से है दंते से, ये भी कौन सा से है दंते से, मिलने वाले से कोई से भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दंते से किसमें बदला, किसी में नहीं, दंते से ही है, दंते से किसमें बदल गया, तालव्य से में, किसमें बदल गया, तालव्य से में। जब बदलाव परिवर्तन आया तो क्या होगा, संधि, जब बदलाव परिवर्तन नहीं आया तो क्या होगा, संयोग। मैं उम्मीद करता हूं एकदम समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर देख लो। से दंते है नहीं बदला, परिवर्तन नहीं हुआ, विकार पैदा नहीं हुआ तो क्या है, संयोग, और विकार पैदा हो गया तो क्या है, संधि। बोलो क्लियर है ये बात, अजी क्लियर है एक नहीं। और देखो बोर्ड पे एक और उदाहरण बताता हूं मैं आपको, देखना बोर्ड पे देखो, निर्धन अक्षर, निर्धन अक्षर रे हलंत है, निर्धन अक्षर रे क्या है, हलंत है, और ये लो साहब इसको अपन जब शुद्ध लिखेंगे तो भैया रे हलंत में मिलने वाला स्वर है ए, स्वर है, रे हलंत में स्वर का मेल हो जाएगा तो हलंत हट जाएगा, और आगे क्षर का क्या है, सरी निरक्षर। बताओ जल्दी से जवाब बताओ कमेंट करके, एकदम क्विक फास्ट बताओ, निरक्षर संधि है या संयोग है, संधि है या संयोग है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, हाँ भैया संधि है या संयोग है, वेरी नाइस, ये क्या है जी, केवल संयोग है, यहाँ पर विकार या परिवर्तन नहीं हुआ है, ये तो केवल हलंत की जगह अपन ने स्वर को मिलाया है। ये कंसेप्ट है हिंदी का कि जब भी किसी हलंत वर्ण के बाद, किसके बाद, हलंत वर्ण के बाद, ध्यान देना नियम, हलंत वर्ण के बाद, हलंत वर्ण के बाद क्या हो, स्वर हो, तो हलंत हट जाता है, हलंत को हटा दिया जाता है और स्वर का क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। बोलो क्लियर है, जब किसी भी हलंत वर्ण के बाद स्वर हो तो हलंत हट जाएगा और स्वर या उसकी मात्रा का मेल हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ये हुआ संधि और संयोग में क्या है अंतर। बोलो क्लियर, दोबारा एक बार फिर से देखना चाहो तो देख लो, जल्दी से समझने का प्रयास करना। संधि में वर्णों का मेल होता है, किसका मेल होता है, वर्णों का, और संयोग में भी वही होता है, लेकिन संधि में विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा जबकि संयोग में ऐसा नहीं होता। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए भैया, ये संधि और इसके साथ पहले लिया था अपन ने संयोग, अब लेते हैं इसके साथ में समास, क्या लेते हैं, समास। इन दोनों का अंतर देखना परीक्षा में, यहां भी बहुत बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द संधि शब्द से बना हुआ है, ये संधि शब्द है या फिर सामासिक शब्द है, सामासिक शब्द भी पूछ लिया जाता है। तो बोर्ड पे ध्यान लिखा, वो का वो ही चलेगा, संधि में किसका मेल होगा, वर्ण का, वर्णों का मेल होने के बाद में क्या पैदा होगा, विकार, क्या पैदा होगा, विकार, और विकार पैदा होगा तो बराबर क्या होगा भैया, संधि होगा। बोलो क्लियर है, समास में देखो भैया मेल किसका होगा, शब्दों का, किसका मेल होगा, शब्दों का, और यहाँ पर शब्दों का मेल होने के बाद में अंतर देखो कितना सामान्य है, वर्णों का मेल और यहाँ किसका मेल, शब्दों का मेल, और जहाँ शब्दों का मेल होता है वहाँ सीधे ही क्या होता है, समास, और जहाँ वर्णों का मेल होता है वहाँ क्या होता है, संधि या संयोग हो सकता है। अब अगर इन वर्णों में विकार आ जाए, क्या आ जाए, विकार आ जाए तो ही आप संधि करेंगे, जबकि विकार अगर नहीं आए तो आप क्या करेंगे, उसको केवल संयोग करेंगे। बोलो क्लियर है, विकार आए तो संधि, विकार नहीं आए तो संयोग। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, तो बेसिक बात समझ में आ गई, और उसके बाद में अंदर और बातें बताता रहूंगा, तो लेकिन मैं आपको अभी बताना चाहूंगा आप संधि के टाइप्स, प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार बोर्ड पे देख लो। यहाँ पर एक तो होता है अपने पास में स्वर संधि, क्या होती है जी, स्वर, एक होता है अपने पास में व्यंजन संधि, और एक होती है तीसरी और अंतिम विसर्ग संधि, कौन सी,
विसर्ग संधि, बोलो सिंपल है। तीन भेद होते हैं संधि के, कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर, व्यंजन, विसर्ग में देखिए भैया, स्वर में क्या होता है? स्वर के साथ में किसका मेल होता है? स्वर का। मतलब यहां पर किसका मेल होगा? ए आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ और औ। स्वर के साथ में किसका मेल होगा? स्वर का मेल होगा। स्वर के साथ स्वर का मेल, संधि कौन सी? स्वर संधि हो जाएगी। अब यह अलग बात है कि यहां पर देखो ए ई और ऊ, ए ई और ऊ, या फिर ये ई भी मान लीजिए, ये ऊ भी मान लीजिए, ये तो यहां क्या होंगे? समान स्वर। क्या होंगे? समान स्वर। तो इन समान स्वरों की संधि क्या कहलाएगी? आदेश कहलाएगी, दीर्घादेश। कौन सा आदेश? दीर्घादेश कहलाएगी, समान स्वरों की। और ये जो है, ये असमान स्वरों की संधियां भी होंगी। इसलिए स्वर संधि का एक भाग नहीं होकर कितने भाग कर लिए? 11 स्वरों के विभाजन के आधार पर हमने स्वर संधि के भेद कर लिए 5, जिसमें क्या मिलेंगे? स्वर के साथ स्वर मिलेंगे। और 5 भेद देखो कैसे किए हैं। पहला है यण संधि और दूसरा है गुण संधि। सॉरी, कैसे भी लिख लो, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अयादि संधि, दो तो ये सीधी हो गई। और अब इनमें तो क्या है, कुछ व्यंजनों के मेल के आधार पर भी बनती है, लेकिन तीसरी जो बनेगी गुण, इसके आगे लगेगा स्वर संधि, गुण स्वर संधि। फिर देखिए नंबर 4 पे, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। बोलो क्लियर है? ये 5 भेद किसके होते हैं? स्वर के, जिसमें मेल किसका होगा? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी क्या होगी? स्वर होगी। और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि भी क्या होगी? स्वर होगी। और अब है जी व्यंजन। व्यंजन में अपने पास में 3 कंसेप्ट हैं। स्वर के साथ में किसका मेल होगा? व्यंजन का। मतलब 11 स्वरों के साथ में किनका मेल हो सकता है? 33 व्यंजनों का। 33 व्यंजन और 11 स्वर आप भली भांति जानते हैं। और उसके बाद देखिए भैया, ये प्रथम पद में स्वर थे और दूसरा पद किससे शुरू हो रहा था? व्यंजन से। तो उल्टा भी हो सकता है, व्यंजन से प्रारंभ हो और व्यंजन पर समाप्त हो, और स्वर से भी प्रारंभ हो सकते हैं। मतलब ये कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन भी हो सकती है और स्वर भी, मतलब ये उल्टा भी हो सकता है। और ध्यान रखना कि इनमें ये भी हो सकता है, व्यंजन के साथ किसका मेल? व्यंजन का मेल हो सकता है। बोलो क्लियर है? व्यंजन के साथ किसका मेल हो सकता है? व्यंजन का मेल भी हो सकता है। तो यहां पर अपन क्या 11 और 33 स्वर मिलाकर के कितने वर्णों के साथ इस संधि को कंप्लीट करेंगे? 44 वर्णों के साथ। अब विसर्ग संधि अपने पास में होती है, वो देखिए भैया, ये सत्व विसर्ग में किसके तीनों से, से और से सकार के नियम आते हैं। दूसरी देखो रुत्व विसर्ग, कौन सी? रुत्व विसर्ग में किसका नियम आता है? रे का नियम आता है। और तीसरी देखो उत्व विसर्ग, कौन सी? उत्व विसर्ग में ओ का नियम आता है। ये 3 विसर्ग संधि के आधार पर अपन कंसेप्ट लेंगे और आपको विस्तृत तरीके से विसर्ग संधि का, स्वर और व्यंजन दोनों तीनों संधियों का विवेचन करवाया जाएगा। इसी एपिसोड में हम प्रारंभ करते हैं। अब निम्न में से एक संधि, बोलो यहां तक क्लियर है? दोबारा देखें, कुछ खास चीज नहीं है। यहां पर स्वर संधि है जिसमें स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, यहां पर व्यंजन है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। हो सकता है स्वर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हो सकता है स्वर से अंतिम पद प्रारंभ किया जाए, कैसे भी मान लीजिए, लेकिन घुमा फिरा के एक काम मस्ट है। कौन सा अनिवार्य तत्व कौन सा है? व्यंजन। इसमें व्यंजन आना अनिवार्य है, व्यंजन आना अनिवार्य है। तभी यहां पर भी क्या होगा, देखो भाई बोर्ड पे देख लेना, यहां पर विसर्ग के साथ में किसका मेल होगा? स्वर का। और विसर्ग के साथ में किसका मेल होगा? व्यंजन का मेल होगा। विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। बोलो क्लियर है? तो यहां पर किसका अध्ययन होगा? 44 वर्णों के साथ 2 अयोगवाद ध्वनियां, सॉरी 1 अयोगवाद ध्वनि भी आ जाएगी। कौन सी? विसर्ग। कौन सी अयोगवाद ध्वनि? विसर्ग ध्वनि। क्लियर है? अब इन एक एक के अध्ययन को बड़े सुस्पष्ट तरीके से, प्यार से, आसानी से पढ़ना भैया, और ध्यान पूरा बोर्ड पे रखना, क्योंकि
नजर हटी और दुर्घटना घटी, मतलब पता नहीं नजर हटते ही कौन से वाले व्यवस्थित तरीके से आने वाले वर्ण दूसरी जगह चले जाएं और अपना दिमाग काम करना बंद कर दे, उससे पहले देखिए आप स्वर संधि, जिसको मैं अभी बता चुका किसका मेल होता है स्वर के साथ में, स्वर का। बोलो यहां तक क्लियर है? स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है। और नंबर एक पे देखिए बेटा, ये कौन सी है? यण स्वर संधि। यण संधि कौन सी है? यण संधि। अब आप ये तो भूल जाओ, इको यणचीर ये सब तो कुछ ही नहीं है, इनको तो आपको भूलना पड़ेगा और सीधे ही इधर ध्यान देना पड़ेगा। किस पर? सूत्र पर। सूत्र अर्थ और भाव सबके अनुसार संधि करेंगे आप, निश्चिंत रहना, क्योंकि कई बार हम लोग गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। यहां पर देखो, मैं आपको उदाहरण और सूत्र दोनों को साथ लेकर चलूंगा, आगमन हो या निगमन हो, दोनों सिस्टम से चलेंगे। सूत्र देखना भैया क्या होता है, ई उ और क्या है री, के बाद कोई भी कौन सा स्वर आए, ए समान स्वर आए, कौन सा स्वर आए, ए समान स्वर आए, तो क्या हो जाएगा क्रमशः? ई का ये, उ का वे और री का रे हो जाता है। अब ये सोच रहे हो कि साहब ये कैसे हो जाता है, क्या होता है, तो इसको समझना, बड़े प्यार से समझना, बड़ी आसानी से समझना। मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा कि यदि ई उ और री के बाद ये बात आ गई, तो ये ई उ और री का आएंगी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी? ई उ और री। और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, क्या आएगा? असमान स्वर, तो क्रमशः ई का ये, उ का वे और री का क्या हो जाना है? रे हो जाना है। बोलो क्लियर है एक बात? ई का ये, उ का वे और री का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। बोर्ड पे देखना एक बार कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में ई के साथ ए आया, तो ई के बाद ए समान स्वर आया है। किसके बाद आया है? ई के बाद। जब ई के बाद ए समान स्वर आया है तो क्या हो जाना है इसका? ये। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद जो भी स्वर आए हैं उनकी मात्रा लगा दो। मान लीजिए ई के बाद ए नहीं आया, क्या आ गया? आ, तो क्या हो गया जी? या ऐसे ही देखिए, ई के बाद में क्या आया साहब आपके पास में? तो ई के बाद में ई नहीं आ सकता। ई के बाद में ई नहीं, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि समान स्वरों का मेल दीर्घादेश होता है, इसलिए यहां ई के बाद में ई नहीं, ए समान स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए समान स्वर। तो ई के बाद में उ आ सकता है, क्या हो जाएगा? यू। ई के बाद में अगर उ दीर्घ आया तो यू बढ़ा, अगर ई के बाद में क्या आया? ए, तो क्या हुआ? ये। बोलो क्लियर? ऐसे ही देख लो भाई, ई के बाद क्या आया? आई। ये मात्रा बढ़ गई। ई के बाद में क्या आया? ओ। तो ये लो साहब, ये क्या हो गया? यो 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 हनी सिंह हो गया। इसके बाद में ई के बाद में औ, तो ये साहब मात्रा यहां भी बड़ी कर दो। बोलो क्लियर है? अब ऐसे ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्रम से अपने पास में क्या बना? क्या बना अपने पास में? ये बना अपने पास में, ये या यी यू यू ये यही। बोलो क्लियर है? ठीक ऐसे ही ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर, बोर्ड पे देखना, ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ के बाद में ए आया, तो साहब अब हो जाना है इसका क्या? वह। क्या हो जाना है? वह। बोलो क्लियर है? ई के बाद असमान स्वर आया तो ये, ऊ के बाद आया तो वह। ऐसे ही ऊ के बाद में अगर क्या आ गया? आ, तो क्या हो गया? वाह। ऐसे ही सभी स्वर लगते हुए चले जाएंगे। ऊ के बाद में अपने पास में ई आ सकता है तो क्या हो जाएगा? वी। उ के बाद में ई दीर्घ आ सकता है तो क्या हो जाएगा? वी दीर्घ। लेकिन अब ध्यान देना, उ के बाद उ नहीं आ सकता, क्योंकि उ के साथ उ भी तो समान स्वर है, और यहां अपन किनको लेके चल रहे हैं? ए समान स्वरों को। किनको? ए समान स्वरों को। इसलिए उ के बाद में अब उ नहीं आएगा, ए और ऐ आ जाएगा, तो ये तो ऐ हो गया। अगर उ के बाद में ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वे। वे। और ऐसे ही उ के बाद में
अगर ओ आ गया तो वो, और अगर औ आ गया तो वह। बोलो क्लियर है? ठीक वैसे ही री के बाद में क्या आएगा, कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, रे। री के बाद में असमान स्वर रे, री के बाद में आ तो क्या हो जाएगा, रा। ऐसे ही री के बाद में कोई भी स्वर लगाते जाएं वैसे ही होता जाएगा, ई लग जाएगा री, ऊ लग जाएगा रू, है, और अगर ओ लग जाएगा तो रो, और अगर औ लग जाएगा तो रऊ, बन जाएंगे ऐसे ही। अब ये तो बन गए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन साहब संधि करते समय फिर दुविधा पैदा होगी, तो उस संधि का इलाज भी मेरे पास है, तो एक बार दोबारा याद करें वो इलाज मैं बताऊं, उससे पहले आप एक बार इसको तैयार करें, माइंड में डालें कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अगर क्या हो, ई हो, ऊ हो और री हो, और उसके बाद दूसरे पद में असमान स्वर, दूसरे पद में असमान स्वर हो, पहला वर्ण कौन सा हो असमान स्वर, या दूसरा पद असमान स्वर से प्रारंभ हो, तो दोनों का मेल करने पर अर्थात संधि करने पर ई के बाद असमान स्वर से मिला करके यह, ऊ के बाद असमान स्वर से मिला करके वह, और री के बाद असमान स्वर से मिला करके क्या बना देंगे, रे बना देंगे, और ये वह और रे की संधि हो जाएगी अपने पास, कौन सी, यण संधि। बोलो क्लियर है? सूत्र को एक बार उतारें आप जल्दी जल्दी से, स्क्रीनशॉट लें इसका, सूत्र का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे मैं इसके फॉर एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, यही चाहिएगी, ये सब चीजें अपन को चाहिए, तभी आप व्यवस्थित तरीके से संधि कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? अब देखिए साहब, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये था इधर ये, अब अपने पास में साहब कि साहब ठीक है ये तो आ गया, लेकिन अब कैसे हल कैसे करेंगे, तो बोर्ड पे ध्यान दे रही, अभी सब चीजें जो आपको बताई गई हैं वो सब चीजें वापस वैसे की वैसे आनी है। यहां पर अपने पास जैसे मान लो उदाहरण आ गया साहब, ये न्यास, न्याय कर दो, कुछ भी कर दो, नेफ्ट। बोलो क्लियर है? क्लियर है? नेफ्ट। तो देखो साहब, ये लो साहब, इधर पहचान में लिखने जा रहा हूं, पहचान, कि जब कभी भी आपको ये वे और रे इन तीनों से पहले, इन तीनों से पहले क्या, इन तीनों से पहले कोई भी हलंत वर्ण दिख जाए, कौन सा वर्ण, हलंत वर्ण, तो संधि कौन सी होगी, यण। बोलो क्लियर है? सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि ये वे और रे से पहले कोई भी हलंत वर्ण आ जाए तो संधि कौन सी होगी, यण, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो तभी यण होगी जब, तभी यण होगी जब पहले आने वाले हलंत वर्ण पर ई ऊ और री की मात्रा लगने पर शुद्ध शब्द प्राप्त हो रहा है, नहीं तो नहीं होगी। देखना कैसे नहीं होगी, बोर्ड पे देखना इधर, ये अपने पास में न्यस्त शब्द आया, पता चला कि साहब ये वे और रे से पहले आधा, तो ये से पहले यहां हलंत वर्ण है कि नहीं, तो ध्यान देना, जब ये से पहले, किससे पहले, ये से पहले हलंत वर्ण आ रहा है तो बताओ किसकी मात्रा लगेगी, ई की, किस पर, उस आधे वर्ण पर जो अपने पास प्राप्त हुआ है, तो आधा वर्ण कौन सा है यहां पर, ने, जिस पर ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नी, क्या हो जाएगा जी, नी, ई की मात्रा लगेगी नी, और अब देखा प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और योग चिन्ह के बाद ये के स्वर को निकालेंगे, तो ये में किसका स्वर है, ए का। बोलो क्लियर है? अब ये में से अपन केवल स्वर को ही निकालेंगे, बाकी भूल जाना है, और बच गया उसको आगे लगा देना है अस्त। तो ये सब अपने पास संधि हो गई, नी और अस्त। अब ये यण संधि है कैसे पता चला, तो दोनों चीजें देखो, पहले तो ये से पहले क्या है, हलंत वर्ण है, इसलिए संधि कौन सी है, यण, और दूसरी बात ये कि ये ई के नियम के अनुसार है, कैसे है, देखो ने में किसका स्वर है, ई का, और बाद में क्या मिला है, ए, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि ई के साथ में कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, ये। बोलो क्लियर है? ये तो ई और ए दोनों मिलकर क्या बने, ये, मैंने कहा था अभी शशांक का उदाहरण आया था उसमें कि ने में ई गया लघु है तो ने क्या रह गया, हलंत, बोलो हलंत रह गया, ने स्वर को नीचे निकाल लिया, ये बनने में सहायक है ना ई, इसलिए अब ने क्या रह गया, हलंत। बोलो क्लियर? उसके बाद देखिए भैया, ए भी नीचे आ गया था तो आधा से और तय बचा, तो ये क्या हो गया साहब,
से और तई बचा है यहां पे, मिलाओ इसको, ने हलंत है तो यहां पर व्यंजन है, अगर स्वर होता यहां स्वर होता तो कुछ ना कुछ करते मात्रा वात्रा जोड़ते, लेकिन व्यंजन है तो ने हलंत ही रह गया। हलंत का शुद्ध रूप खड़ीपाई को हटा देंगे, खड़ीपाई को मतलब ये खड़ा डंडा है इसको हटा देंगे, ये हलंत के साथ हट जाएगा तो आधा बच जाएगा। आगे क्या है ये, उसके आगे क्या है से और ते, न्यस्त। अब आप कहेंगे कि साहब बिल्कुल समझ में नहीं आई। हाँ तो नहीं आती भैया, इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी तो संधि कैसे है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको अब एक कंसेप्ट दे रहा हूं, ये सूत्र आप याद रखना, बहुत तगड़ा कंसेप्ट दे रहा हूं मैं, और उस कंसेप्ट से आप किसी भी यण संधि के उदाहरण को आंख बंद करके हल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये का नियम, किसका नियम, ये का नियम, आंख बंद करके किसी भी सवाल को हल करने में सक्षम बनना है तो ये का नियम का ध्यान रखें। संधि करते समय क्या हलंत वर्ण तो आएगा, तो बोर्ड पे ध्यान दें, पहला नियम अगर ये वे और रे से पहले क्या आएगा, हलंत, क्या आएगा भैया, हलंत। इस वर्ण को आपको क्या करना है, पूरा करें, जो हलंत वर्ण है उसको पूरा कर ले, हलंत वर्ण को पूरा करें, हलंत वर्ण को पूरा कर लिए क्या, संधि करते समय क्या करना है, संधि करते समय बोर्ड पे ध्यान दो भाई, संधि करते समय ये वे और रे से पहले कोई भी हलंत वर्ण आएगा उसको पूरा करें। मैं पूरा लिख दूं क्या एकदम व्यवस्थित, ये वे और रे से पहले आए हलंत को या हलंत वर्ण को पूरा करें, बोलो क्लियर है। हलंत वर्ण को पूरा करने के बाद दोबारा देखो साहब, जो वर्ण पूरा किया है ना उसी पर पूरा किए वर्ण पर शब्द की वर्तनी के अनुसार उसके अर्थ और भाव के अनुसार ई की मात्रा लगा दे, क्या लगा दे भैया, मात्रा लगा दे, बोलो क्लियर है। पहले तो जो ये वे और रे से पहले आधा वर्ण आएगा उसको क्या करना है, आपको पूरा करना है, और उस पूरे जिस वर्ण को आपने पूरा किया है उसी वर्ण पर ई या ई की मात्रा लगानी है, क्लियर। और तीसरा काम देखिए साहब, मात्रा जहां लगाई है उसके ठीक आगे योग चिन्ह, और योग चिन्ह के आगे किसको लिखना है, ये के स्वर को, किसको लिखना है, ये के स्वर को। अब मैं ये के स्वर को, किसको, ये के स्वर को लिखना है स्वर। अब ये के स्वर को लिखें, ये के स्वर को कैसे लिखेंगे, अगर ये है तो किसका स्वर आएगा, ए का, अगर या है तो किसका आएगा, आ का, अगर ये है तो किसका आएगा, ई का, बोलो क्लियर। ये नहीं होगा, लेकिन ये तीसरे नंबर वाला नहीं आएगा, समान स्वर नहीं आते, ए समान। अगर यू है तो क्या लिख देंगे आप, ऊ, क्या लिख देंगे, ऊ। अगर यो है तो क्या लिख देंगे, ओ, बोलो क्लियर है, यही लिखना है। ये में कोई भी स्वर आ सकता है, 11 में से दो गए समान स्वर वाले, तो 9 स्वर ये के साथ आ सकते हैं, उनको कहां लिखना है, प्लस के आगे लिखना है। और नंबर 4 पे ये करना है कि आपको अन्य वर्णों को क्या करना है, यथावत करना है, अन्य वर्णों को यथावत का मतलब आगे वाले आगे और पीछे वाले क्या रह जाएंगे, पीछे। तो ये केवल किसका नियम है अपने पास, रे का, इसलिए आप इन दो को भी एक बार मिटा दे, इन दो को भी मिटा दे ये का नियम। तो ये से पहले क्या करना है, दोबारा देखें, ये से पहले आए हलंत वर्ण को पूरा लिखना है। दूसरा देखें, जो पूरा लिखा है उस वर्ण पर ई या दीर्घ की मात्रा लगा दें। फिर देखें साहब, प्लस के आगे ये के स्वर को लिखें, जो धन चिन्ह लगाएंगे उसके आगे ये को स्वर को लिखना है, केवल ये के स्वर को, और अन्य वर्णों को छेड़ना भी नहीं है, जो पहले आए उनको पहले और जो बाद में आए उनको बाद में। एक उदाहरण से समझ जाओगे पूरी चीजें, बोर्ड पे ध्यान दो। अभी वही उदाहरण मैं दोबारा लेता हूं जो पहले आपको समझने में कठिनाई पैदा कर रहा था, देखना भैया। अब न्यस्त कैसे पता चला, यह संधि है, ये से पहले आधा आया है। अब इस पर आओ, पहले ये से पहले आए हलंत वर्ण को पूरा करें, बोलो ये से पहले हलंत वर्ण क्या है, ने, क्या है जी, ये से पहले हलंत वर्ण क्या है, ने, इसको पूरा कर दिया, समझ गए क्या। अब दूसरा देखो, पूरा किए वर्ण पर ई की मात्रा लगा दे, नी उपसर्ग में मात्रा कौन सी होती है, लघु, अले ने के ई की मात्रा लगा दी, यही लगानी है। फिर तीसरा कह रहा है, प्लस के आगे ये के स्वर को लिखें, ये मैंने योग चिन्ह लगा दिया और इसके आगे ये के स्वर को लिखना है, बोलो न्यस्त में आए हुए ये में किसका स्वर है, एका, बिल्कुल एका है।
और अन्य वर्णों को यथावत। इधर तो कोई वर्ण बचा नहीं, इधर से और ते बचा है, बोलो क्लियर है। नी और अस्त संधि हो गई, पुष्टि करके देख लो। ई और ए का मेल क्या होता है, ये ने हलंत हो जाएगा और ये आ जाएगा और यहां पर शब्द बन जाएगा नस्त, बोलो क्लियर है। अब आप कैसा भी शब्द दें, कमेंट में लिखें कि साहब यण संधि का ये उदाहरण मुझे नहीं आ रहा, तो मैं उसका हल बताऊंगा। आप कैसा भी शब्द लाएं, कठिन लाएं या सरल लाएं, हर एक यण संधि के उदाहरण का हल आपके सामने बोर्ड पे पड़ा है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, कैसे भी शब्द ले लो, मैं छोटे से लेकर के बड़े शब्दों की ओर चलता हूं और बहुत से उदाहरण आपको मैं सिखाता हूं। यहां पर देखो, अब छोटा सा उदाहरण आया है न्याय, बोर्ड पे देखो न्याय, न्याय आ गया साहब। जैसे पहले आधा आया है तो इसको क्या, पहली लाइन पे चलो, जैसे पहले आधा आया उसको पूरा कर दो, पूरा कर दिया, ई की मात्रा लगा दो, नी और प्लस के आगे क्या लिखना है, ये का स्वर, ये में किसका स्वर है, आका, या है ना, यहाँ तो आका स्वर, और ये हो गया आ और आगे आया ये, बोलो नी धन आय, संधि हो गई। कि कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देखना, बोर्ड पे ध्यान देना भैया। कठिन से सरल की ओर चलते हैं, नार्युचित, बोलो यण संधि है या नहीं है, पता लगाना है यण संधि है या नहीं है, बिल्कुल है। कैसे है, जैसे पहले आधा आ रहा है, जैसे पहले आधा क्या है, ऊपर वाला रे का नियम बताऊंगा मैं। ये जो दो रे जो उदर्वगामी हो जाते हैं, अधोगामी हो जाते हैं, उनमें जो रे ऊपर चढ़ जाता है, अगले वाले की टोपी पे बैठता है, वो आधा होता है हमेशा, और जिस वर्ण पर होता है उससे पहले बोला जाता है। तो जिस वर्ण पर है वो क्या है, ये, जैसे पहले क्या है, रे आधा, नार्युचित, तो रे को पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रे को पूरा लिखेंगे। पहली बात यही, जैसे पहले आए हलंत वर्ण को पूरा लिखें, बोलो बेटा जैसे पहले कौन सा हलंत वर्ण आ रहा है, रे, रे को पूरा लिख दिया, मात्रा किसकी लगाएंगे, ई की लगा दी, हो गया री, इधर क्या मचा, ना, बोलो नारी शुद्ध है या गलत है, गलत है या सही है, देखो देखें गलत है या सही है, नारी, नारी गलत है, एकदम गलत है। इसलिए यहां पर देखो ई की मात्रा लघु भी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है, तो यहां पर ये हुआ रोंग और रे के मात्रा क्या आएगी, बड़ी, तो ये हुआ नारी, बोलो क्लियर है, क्लियर। अब देखो ये में किसका स्वर है बेटा, ये देखो पूरा किए वर्ण पर ई की मात्रा लगा दी, उसके बाद देखना है धन चिन्ह के आगे ये के स्वर को लिखना है, ये में किसका स्वर है, ये में ए का है, नहीं आका है, नहीं तो किसका है, ऊ का है, नीचे देखो मात्रा किसकी लग रही है, ऊ की, तो भैया यहां पर भी लघु ऊ है तो लघु मात्रा ऊ, चेका चीका ची और तेका ते, नारी धन उचित, ये हुआ अर्थ, नारी उचित, वह नारी जो नारियों में उचित है, वह नारी जो नारियों में भी उचित है, तो ये लो जी सीधा ही हो जाता है, बिना नियम के भी हो जाता है, नारियों में उचित है जो, वो हो गया नारी उचित, कोई क्लियर है, सिंपल से कंसेप्ट है। कैसे उदाहरण लो, यहां पर देखो भैया, ये देखो पर्यूषण, बोर्ड पे ध्यान दें, पर्यूषण संधि करने का प्रयास करें, वैसा का वैसा ये पर्यूषण, जैसे पहले आधा क्या है, रे पूरा कर दिया और ई की मात्रा आपकी बार छोटी लगाई है, क्योंकि यहां पर पे है, पर्युपसर्ग में मात्रा होती है लघु, कैसी मात्रा होती है लघु, तो परी, और ये में किसका स्वर है, ऊका, किसका स्वर है, ऊका, लघु है या दीर्घ, लघु है तो लघु लिख दो, से का से और ने का ने, ये जैनियों का एक तीर्थ होता है पर्यूषण, जैनियों का एक त्योहार होता है पर्यूषण, लो जी संधि हो गई परिधने उषण, बोलो क्लियर है। यहां पर दो शब्द और सीख गए, परी में मात्रा लघु होती है, उषण में मात्रा लघु होती है, यहां पर अगर मात्रा दीर्घ आ जाए मान लो कभी पर्यूषण, तो उषण ये हो जाएगा उषण, ये इस मात्रा का खेल है, ये पर मात्रा लघु है तो आएगी आगे लघु ऊ की, और यह पर मात्रा दीर्घ है तो किसकी आएगी, दीर्घ की मात्रा आएगी ऊ की, जो स्वर है वही मात्रा आपको लगानी है, मन से नहीं लगानी है, शब्द में आए हुए स्वर की मात्रा को ही धन चिन्ह के आगे लिखें, आत्मा में तो पता नहीं कितनी मात्राएं आ जाती हैं, इसलिए आत्मा पर का कहना बाद में मानना, पहले तो जो है उसी का कहना मानना है। और देखिए उदाहरण देखना भैया, जैसे मान लो अपन ने उदाहरण लिख लिया यहां पर स्वस्तयन, बोर्ड पे देखो स्वस्तयन, कमजोर उदाहरण नहीं पढ़ेंगे अपन, बढ़िया उदाहरण पढ़ेंगे, वही उदाहरण पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, स्वस्तयन, बोर्ड पे देखो यण संधि का पता लगाओ कहां हो रही है, तो जैसे पहले आधा तैयार है, आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे बेटा, आधा तैयार है तो इस आधे तय को करें पूरा, बोलो पूरा कर लिया, पेन दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लो जी आधे तय को करें आप पूरा, और ये क्या हो गया टी, आधे तय को पूरा कर लिया, पूरे किए वर्ण पर किसकी मात्रा लगानी है, ई, ई की, पहले लघु लगाओ ई,
इधर क्या बचा उधर क्या बचा देखते हैं। पहले प्लस के आगे ये में स्वर किसका है, ए का, और आगे क्या है ए, वो ये और ने, क्लियर। इधर देखो से वे, अब आधा से है, इसका नियम भी याद रखना, जब लघु ई की मात्रा के पहले अगर कोई भी सकार आता है तो मात्रा के अंदर चला जाता है, कहां चला जाता है मात्रा के अंदर, तो ये मात्रा के अंदर गया, ये लो स्वस्ति धयन अयन, बोलो स्वस्थयन की संधि हो गई, एकदम क्लियर है। अब ये पुष्टि करके देख लो, इसमें ई छोटा है और इसमें ए है, ई के साथ ए का मेल होता है तो क्या बनता है ये, ई के साथ ए का मेल, ई के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा ये बनेगा। और यहां पर देखो ये स व आधा स और ये ते के ई नीचे ले लिया तो आधा ते, बोलो क्लियर है, ये ई नीचे आ गई तो यहां पर हलंत ते रह गया, और यहां पर देखो ए नीचे आ गया तो ये और ने बच गया, बोलो क्लियर है। इनको मिलाओ, देखो से व आधा से और ये हलंत वाला ते का मतलब है ये हलंत ही रहेगा, बाद में क्या है ये है व्यंजन है, और आगे वाला ये और ने स्वस्तयन, बोलो क्लियर है, एकदम शुद्ध संधि हो गई, समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो यही संधि अभी तक कल और चलेगी और प्रयास करना सीखने का, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपको बहुत बढ़िया मेटर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।